हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। विधि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और सबको प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे। तो दोस्तों, अभी तक आप सबने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, ऐसे प्यार देते रहना दोस्तों। और हम भी हमारे वीडियो में अच्छे अच्छे आपको कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो आज की जो स्टोरी है, ये कोकन की स्टोरी है। कोकन आपको नाम सुनते ही आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी हॉरर स्टोरी बहुत ही होती है। वहाँ पे नेगेटिव वाइब भी रात को बहुत ही, आपको कहीं कभी आप जाओ कोकन में तो आपको ऐसे नेगेटिव वाइब बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज की जो स्टोरी है वो भी कोकन की है। तो एक दिन क्या होता है कि एक कपल की शादी होती है कोकन में, और वो लोग उसी गांव के रहते हैं। तो शादी होती है, सब व्यवस्थित होता है, और वो जो लड़की है वो मुंबई की रहने वाली रहती है। तो उसको गांव में थोड़ा मतलब थोड़े दिन तो मतलब रहना पड़ता है। हमारे यहाँ पे शादी होने के बाद एक आध महीने गांव में रहना पड़ता है। तो इनके नई नई शादी हुई थी और उसको थोड़ा मतलब गाँव में अच्छा नहीं लगता था। तो उसका हस्बैंड उसको रोज़ रात को घुमाने के लिए लेके जाता था। तो एक दिन वो लोग दोनों बीच पे जाने के लिए निकलते हैं, तब करीब 6-7 बजे होंगे। तो उसकी मम्मी जो रहती है मतलब लड़की की सासू, वो बोलती है अभी मत जाओ, सुबह जाओ, क्योंकि रात हो गई है और वहाँ पे इतने रात को जाने के लिए अच्छा नहीं है। और नई नई शादी हुई थी इसके लिए थोड़ा वो लोग बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे तो अच्छा है। तो भी वो जो बंदा था वो बोलता है नहीं, हम जाएंगे और जल्दी आएंगे। तो बोले ठीक है, पर कच्चे रास्ते से मत जाओ, जो पक्का रास्ता है वहाँ से जाओ। तो वो बोला ठीक है। तो वो लोग जब बीच पे जाते हैं तब वो पक्के रास्ते से जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करके। वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, मतलब तकरीबन 7-7:30 हो जाते हैं, और गांव में तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो वो जो लड़की थी वो बोलने लगी चलो अब निकलते हैं, 7-7:30 बज गए थे। उनके पास फ़ोन था, देखा तो 7:30 बज गए थे। तो बोले चलो निकलते हैं, मम्मी अब लेट तो हो गए, मम्मी भी बोलेगी। तो बोला ठीक है निकलते हैं। तो वो बोले पक्के रास्ते से जाएंगे तो बहुत ही टाइम हो जाएगा, चलो शॉर्टकट से जाते हैं, 10-15 मिनट में हम तो घर पे पहुंच जाएंगे। तो वो नहीं बोले, बोले मम्मी ने नहीं बोला है और यहाँ रात को यहाँ से जाना ठीक नहीं है। तो बोला कोई नहीं, मैं हूँ ना, तो चल। फिर वो मन मारे उसके साथ जाती है वो कच्चे रास्ते से। जब वो 5-1 मिनट वॉकिंग करके वो लोग जाते हैं तो एक बंदा मतलब हाथ में लकड़ी और ब्लैक कलर की घुंघड़ी रहती है, वो ली थी वाइट कलर की धोती और वाइट कलर की कफनी ऐसे पहने हुआ एक बंदा मिलता है उनको। तो वो बोलता है कि इस रास्ते से मत जाओ आप, दूसरे रास्ते से जाओ। तो वो बोल के वो निकल जाता है। तो वो ये दोनों सोच में पड़ते हैं कि ये बंदा तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये कौन है पता नहीं, पर ये लोग उसकी बात सुनते नहीं है और वही रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने लगे फिर उनको एक बड़ा झाड़ दिखाई दिया और झाड़ के बाजू में एक घर था। तो वो जो लड़की थी पहले भी वो रोड से एक बार गई थी सुबह जैसे उनके सासू के साथ, पर वो बोली जब मैं गई थी इस रोड से तब यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं था, अब ये घर कहाँ से आया? वो उसके पति को बोलती है। उसका पति बोलता है तूने देखा नहीं होगा, मैंने तो वो एक्चुअली वो लड़का तो मुंबई में ही बड़ा हुआ है, उसको गांव का कुछ पता नहीं था। तो बोला होगा, तूने ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो लोग ऐसे चलते चलते हैं आगे जाते हैं, 10 मिनट तक वो लोग चलते ही रहते। तो वो लड़की बोलती है हमारा घर यहाँ से मतलब ये रोड से जाएंगे ना तो 10-15 मिनट में तो हम पहुंच जाते हैं, पर उसका घर आया ही नहीं। फिर वापस चलते गए, वापस वही झाड़ वही घर, आगे चलने लगे फिर वापस वही झाड़ वही घर। ऐसे वो लोग 5-6 बार वहाँ से ही गुजरने लगे और फिर दोनों डरने लगे, रात भी हो गई थी और दोनों डरने लगे कि ये क्या हो रहा है।
जो कपल थे वो दोनों डरने लगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर अचानक ही वो घर के पास जाते हैं ना, तो वहाँ से आवाज़ आता है, अंदर आ जाओ मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो ये दोनों घर में जाते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, तो कोई उसको दिखाई नहीं देता। फिर पूरा घर वो लोग घूम के आते हैं, फिर तो भी उनको कोई दिखाई नहीं देता, पर फिर से आवाज़ आता है, अंदर आ जाओ मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो ये बंदा ऐसे ही दो कदम आगे चलता है और उसकी बीवी जो है उसने हाथ पकड़ के खींच लिया पीछे। तो फिर वो डर गया, क्यों मुझे तूने खींचा? तो वो बोलती है नीचे देखो। तो नीचे इतनी बड़ी मतलब कुआ था, कुआ मीन्स क्या बोलते हैं वेल इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर बहुत ही बड़ा कुआ था। अगर वो उसमें गिर जाता ना तो उसके हाथ पैर तो टूट ही जाते और सूखा हुआ था। तो फिर वो बंदी उसको खींच लेती है, फिर दोनों डर जाते हैं। फिर वो लोग भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते हैं और फिर वो घर से बाहर निकल जाते दोनों। और फिर यहाँ वहाँ देखते तो कुछ उनको मतलब समझ में ही नहीं आता। फिर वो लोग कंटिन्यू भगवान का नाम लेते लेते लेते, फिर अचानक ही एक रोशनी उसको दिखाई देती है। और फिर वो लोग बोलते चलो इसी रोशनी के पीछे पीछे हम जाते हैं, इसको ही फॉलो करते हैं। फिर वो लोग उसको फॉलो करते 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 जाते, तो उन लोग का जो भगवान है मतलब गांव का जो देवी देवते हैं उनका मंदिर उनको दिखाई देता है। फिर वो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, पैर पड़ते हैं वहाँ पे, 5-10 मिनट बैठते हैं। फिर पहले जो बंदा उनको दिखाई दिया था ना वो वहाँ पे आता है और बोलता है मैंने आपको नहीं बोला था ना, तो भी आप उस रास्ते से क्यों गए? इतना ही बोलते हैं और गायब हो जाता है। फिर वो लोग मतलब डर जाते हैं फिर से। फिर वो लोग घर पे जाते हैं और ये सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और एक बंदा हमें मिला था और उन्होंने हमें बोला कि मत जाओ, तो भी हम उसी रास्ते से गए और ऐसा हुआ। और फिर जब हम मंदिर में आए तभी भी वही बंदा हमें मिला था, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको नहीं बोला था तो भी आप उसी रास्ते से गए। फिर उनके घर वाले बोलने लगे कि आपको चकवा लगा है। चकवा मीन्स, चकवा ऐसी चीज़ है, वो एक मतलब भूत का ट्रैप रहता है, वो आपको एक ही जगह पे बार बार घुमाते रहेगा। कई लोगों को साथ तो ऐसा भी होता है, पूरी रात वो लोग एक ही जगह पे घूमते रहते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो चकवा जब आपको लगता है ना तो ये सिचुएशन रहती है और आप पूरे डर जाते हो। तो उससे बाहर निकलना होगा ना, तो आपको शांत रहना है, पानी पीना है, एक जगह पे 10-15 मिनट बैठो आप। फिर अचानक ही आप मतलब थोड़ा थोड़ा डरने का बंद करोगे ना तो आप उस चकवे से इजीली बाहर निकल सकते हो। तो ये घटना जो हुई थी ये कोकन की घटना है। और आए दिन ऐसी नई नई घटना कोकन में होती रहती है दोस्तों। कोकन एक हॉरर प्लेस है, कभी आप जाओ तो आपको भी एक अंदाज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो कोई नहीं दोस्तों, कैसे लगे आपको स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।